तो हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मेरे बैकग्राउंड में जो आपको दिखाई दे रहा है यह सौर मंडल है। साधारण से साधारण इंसान या बच्चा ये जानता है कि इसे सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में क्या होता है? तो सौर मंडल में मेनली तो एक सूर्य होता है जो कि आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, और बाकी इसके ग्रह होते हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर निकालते हैं। ज्योतिष से आपने सुना होगा नौ ग्रहों के बारे में, बहुत सारी ऐसी बातें करता है ग्रहों को लेकर। तो ये जो भी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इसे ग्रह कहा जाता है, और ये सेंटर में होता है इसे सूर्य कहा जाता है। ये चीजें हमें जानकारी में, परंतु क्या आपको ये मालूम है कि सूर्य भी किसी के चारों तरफ चक्कर लगाता है? तो यहां पर अगर हम ये प्रश्न पुटअप करते हैं तो उसका आंसर मिलता है यस, सूर्य भी किसी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसके साथ में यह अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो यानी कि चारों तरफ चक्र लगाना इसे हम परिक्रमण कहते हैं, और अपने अक्ष पे घूमना इसे हम परिभ्रमण कहते हैं। तो जिस तरीके से पृथ्वी परिक्रमण और परिभ्रमण करती है तो सूर्य भी परिक्रमण और परिभ्रमण करता है। तो ये सारी जो जानकारी है आज हम इकट्ठी करने वाले हैं, और किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बना है, सौर मंडल कैसे बना, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में। यहां हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा क्विज वाला सेशन है और इसके अंदर हम नॉर्मली एक जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सौर मंडल बना कैसे, सौर मंडल की रचना कैसे हुई, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपके सामने एक और फाइल को प्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। अब ये जो फाइल है या ये जो आपको कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है, तो आप ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर हम ब्रह्मांड की बात करें ना, तो ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, यानी कि जो भी आज आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, ग्रह दिखाई दे रहे हैं, सूर्य दिखाई दे रहा है, कुछ भी ऐसी बात नहीं थी। एक समय के अंदर पूरे ब्रह्मांड में केवल एक गोला था, ठीक है, और वो गोला किससे बना हुआ था? तो वो गोला बना हुआ था गर्म गैसों से। अब ये जो गर्म गैसों का गोला था जो बहुत ही ज्यादा सघन था, समय है आज से 13 अरब वर्ष पहले, 13 अरब वर्ष पहले ये जो बीच में आपको गोला दिखाई दे रहा है इसमें एक विस्फोट होता है, और ये विस्फोट है इसे बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग यानी बड़ा विस्फोट। तो बिग बैंग थ्योरी भी आती है तो हम उसके ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, परंतु आपको एक साधारण सी यहां पर जानकारी दे देते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना इसको बिग बैंग कहा जाता है, जो आज से 13 अरब वर्ष पहले हुआ। अब इसमें होता क्या है, जब ये बिग बैंग हो जाता है ना तब इसके अंतर्गत ये जितने भी इसके टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं इसको कहा जाता है ब्रह्मांड का विस्तार होना। तो इसके बारे में भी बहुत सारे विद्वान थे, एडविन हम्बल जैसे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके बारे में बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये जो ब्रह्मांड का विस्तार है आज भी चल रहा है, यानी कि कैसे पता चलेगा कि ये बढ़ रहा है? तो अगर हम दो तारों के बीच में या दो ऐसे पिंडों के बीच में दूरी देखें तो वो आज भी बढ़ रही है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। ये जितने भी टुकड़े हैं ये आज भी दूर दूर जा रहे हैं। अब जब ये विस्फोट हो गया और ब्रह्मांड बन गया, तो ये ब्रह्मांड में जितने भी जो टुकड़े हैं ना वो बने आकाशगंगाएं। क्या बनी? आकाशगंगाएं। अब आकाशगंगा क्या होती है? तो आकाशगंगा क्या होती है, ग्रुप होता है जिसके अंदर तारे भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, ये सारी चीजें उन आकाशगंगाओं के अंतर्गत होती है। अब अगर हम आकाशगंगाओं की प्रॉपर बात करें तो आकाशगंगाएं एक्चुअल में हीलियम है, हाइड्रोजन गैस है, इसके अलावा धूल के कण है, उनसे बनी हुई होती है, जिन्हें निहारिका कहा जाता है। तो मींस जब ये बिग बैंग थ्योरी हुई या बिग बैंग का सिद्धांत हुआ तो इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उस ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं बनी। अब ये जो आकाशगंगाएं किससे बनी, तो आकाशगंगाएं बनी निहारिकाओं से। निहारिकाएं क्या है? निहारिकाएं एक्चुअल में बादल है, किसके? हीलियम के, हाइड्रोजन के, धूल के कणों के। तो निहारिकाओं से आकाश गंगाओं की उत्पत्ति हुई। और अगर हम इस ब्रह्मांड में बात करें तो ऐसी आकाश गंगाएं 19 अरब से भी ज्यादा है, यानी कि एक आकाश गंगा नहीं है, 19 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं या गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसके अलावा भी हम अनंत कहते हैं, यानी कि जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, जिनके बारे में पता चला उनकी संख्या 19 अरब है। तो अगर हम बात करें आकाश गंगाओं की, तो हम आकाश गंगा की बात कर क्यों रहे? क्योंकि हम जब भी सौरमंडल पढ़ते हैं ना तो सौरमंडल एक आकाश गंगा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, एक गैलेक्सी के अंतर्गत आता है। तो हम बात करने जा रहे हैं आकाश गंगा की या गैलेक्सी के बारे में जहां पर हमारा सौरमंडल है। तो
जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उसमें एक गैलेक्सी या एक आकाशगंगा ऐसी थी जिसमें हमारा सौर मंडल विद्यमान था, जिसमें सूर्य और ग्रह भी शामिल थे। तो ये तो हो गया बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के बाद में अगर हम बात यहां पर करें तो हम बात करते हैं यहां पर गैलेक्सी की, यानी कि आकाशगंगा की। अब ये जो आकाशगंगा आपको दिखाई दे रही है, ये आकाशगंगा हमारे वाली है जिसको मंदाकिनी कहा जाता है। अब कोई पूछे कि हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी आकाशगंगा में विद्यमान है, तो हम कहेंगे मंदाकिनी में। मंदाकिनी के अंतर्गत सौर मंडल इसमें विद्यमान है। तो ये कंप्लीट जो है ये गैलेक्सी कहलाती है और इसका नाम है मंदाकिनी। अब एक्चुअल में क्या करता है सूर्य, सूर्य ये जो गैलेक्सी है इसके सेंटर में चारों तरफ इसके चक्कर लगाता है। माना कि सूर्य यहां पर है और सूर्य यहां पर है तो सेंटर में इसके चारों तरफ ये चक्कर लगाएगा, यानी कि परिक्रमा लगाएगा। तो जैसे हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, इसी प्रकार सूर्य है जो इस गैलेक्सी के सेंटर में चारों तरफ परिक्रमा लगाता है। अब ये गैलेक्सी है इसको हम मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं, या इसको हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं। तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे जिसका नाम आकाशगंगा है, उसके अंतर्गत सूर्य है जो इसके सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसके चारों तरफ जो चक्र लगाता है, अगर हम बात करें कि उसको कितना समय लग जाता है, तो इस बात को, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को, कम से कम उसको 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं तो इनके बीच में दूरी कितनी होती है सेंटर से लेकर सूर्य के बीच में? तो यह जो दूरी होती है ये 27,000 प्रकाश वर्ष होती है। ये सारे आंकड़े मैं लिखवाऊंगा, परंतु आप पहले मौखिक समझ लीजिए। तो इस प्रकार से 27,000 की दूरी में यह रहता है, और दूरी के साथ में यह इसके चारों तरफ जो चक्र लगाता है उसको 25 करोड़ वर्ष लग जाता है, प्रकाश वर्ष, और ये जो चक्र लगाता है इसको 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। सूर्य ने परिक्रमा तो लगा दी, तो क्या सूर्य परिभ्रमण भी करता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता है, और यह जो अक्ष पर घूमना है ये इसका 25 से 30 दिन में कंप्लीट होता है। अब इसकी क्या स्पीड रहती है, किस प्रकार से, वो सब हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई कि जो सूर्य है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है। अब जो सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाने वाले कुछ ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो उसको हम टोटली जो होता है उसको हम सौर मंडल कहते हैं। वो कैसा दिखाई देता है तो उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेंटर में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ है जो ग्रह है वो चक्र लगा रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे उसे हम शुद्र ग्रह कहते हैं, और उसके अलावा दूसरे ग्रह भी इसके चारों तरफ चक्र लगाते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीटली जो ये चीज हमें दिखाई देती है इसको हम सौर मंडल कहते हैं। आप यहां पर एक चीज और देखेंगे कि ये जो सौर मंडल है ना, इस सौर मंडल में सारे के सारे ग्रह है जो परिक्रमा तो लगा ही रहे हैं और साथ में अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं। तो इन सबकी जो स्थितियां हैं वो अलग अलग होती है, यानी कि घूमने की स्थिति अलग होती है और चारों तरफ परिक्रमा लगाने की भी स्थिति अलग होती है। तो आप एक बार देख लीजिए कि सौर मंडल किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद में अगर हम कंपैरिजन करें ग्रहों का तो वो किस प्रकार से किया जाता है तो उसको भी हम देखते हैं। यहां पर अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन इस टाइप में हम यहां पर देख सकते हैं कि ये कंपैरिजन होता है। आप देख सकते हैं सारे ग्रह है, अगर हम कंपैरिजन के अंदर देखें तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अक्ष पर भी घूम रहे, और उसके अलावा ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी लगाते हैं। इसके अलावा सारे ग्रह है जो अपने अक्ष पर कुछ न कुछ डिग्री में झुके हुए रहते हैं। जैसे हम पृथ्वी की बात करते हैं ना कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसी प्रकार से आप सारे ग्रहों को देखेंगे कि ये कुछ अपने अक्ष पर भी झुके हुए और अलग अलग वे में यह अपने अक्ष पर घूम भी रहे। तो इस तरीके से यहां पर ये हमें जानकारी देखने को मिलती है। यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले मरकरी आता है ना, फिर उसके बाद वेनस आता है, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट घूमता है। जैसे बाकी जो ग्रह है पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमेगा। तो ये साधारण सी जानकारी, इसको देख लीजिए, फिर इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ बातें लिखवाने वाला हूं।
तो वो हम अच्छे से वापस देखेंगे, ठीक है। तो लगभग नॉर्मली जो बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी, और अब हम बात करते हैं डेरिवेशंस की, कि डेरिवेशन के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये क्या है, तो ये हमारी गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी का नाम क्या है, तो इस गैलेक्सी को हम कुछ नामों से जानते हैं, जैसे इसको हम दुग्ध मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, या इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, इसके अलावा इसको हम मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे के नाम से भी इसे हम जानते हैं। मिल्की वे के बाद में अगर हम बात करें कि इस गैलेक्सी का नाम क्या है, तो इसको मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सूर्य होता है इसके सेंटर में चारों तरफ परिक्रमा लगाता है, तो हम ये बात करते हैं कि केंद्र से दूरी कितनी रहती है सूर्य की, तो हम यहां लिख दें कि सूर्य की केंद्र से दूरी कितनी है, तो दूरी की बात करें तो यह रहती है 27,000 प्रकाश वर्ष। यानी कि इस सेंटर से जो सूर्य है, इस सेंटर से जो सूर्य है वो कितना रहता है, 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहता है, ठीक है। यहां पर अब दूरी तो हमने निकाल दी, अब हम इसके भ्रमण की बात करते हैं। सूर्य जो इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाता है, यानी कि केंद्र के परिक्रमा में कितना समय ले लेता है, तो यह लेता है 25 करोड़ वर्ष। कितना ले लेता है? 25 करोड़ वर्ष यह समय ले लेता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये अपने अक्ष पर परिभ्रमण भी करता है, तो जी हाँ ये अपने अक्ष पर भी घूमता है, और अक्ष की अगर हम बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं परिभ्रमण। कितना समय लग जाता है परिभ्रमण में? तो ये लग जाता है 25 से 30 दिन। इस समय इसकी गति कितनी रहती है? गति की बात करें तो ये जो अपने अक्ष पर घूमता है ना, ये गति रहती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये अपने अक्ष पर घूमता है, और अपने अक्ष पे घूमता हुआ 25 करोड़ वर्ष के अंदर यह केंद्र का पूरा चक्कर निकाल देता है। तो इस तरीके से यह कुछ बातें इसके अंतर्गत आती है। एक चीज और ध्यान रखना, जब ये अपना चक्र पूरा कंप्लीट कर देता है इस तरीके से, तो ये जो टाइम लगता है ना, इसको हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। तो मैं यहां पर लिख दूं ब्रह्मांड वर्ष। अब ये जो ब्रह्मांड वर्ष है ना, इसको इंग्लिश में कोस्मोस ईयर भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि एक कोस्मोस ईयर कितने वर्ष का होता है? 25 करोड़ वर्ष का, है ना। तो इस तरीके से हमें कुछ चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है। तो ये तो बात आ जाती है सूर्य के बारे में, और हमारी जो गैलेक्सी है उसको किस नाम से जाना जाता है इस बारे में। सूर्य के बारे में अगर हम कुछ बातें और करें कि सूर्य की खुद की उम्र कितनी है, तो सूर्य की उम्र रहती है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन। कहीं पर आपको 4.5 और 4.8 वर्ष भी दिखेगा, मिलियन वर्ष भी दिखेगा, तो हम लगभग इसकी 5 बिलियन वर्ष उम्र मानते हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि सूर्य का लगभग व्यास कितना रहता है, सूर्य के व्यास की बात करें, यानी कि अगर ये सूर्य है तो सूर्य का व्यास हो जाएगा ऐसे, यानी कि इसके बीच में अगर हम रेखा खींच दें तो वो उसका व्यास कहलाता है। तो अगर हम व्यास की बात करें तो यह कितना है, तो यह रहता है 13,92,000 किलोमीटर, 92,000 किलोमीटर। अब पृथ्वी के व्यास से अगर हम तुलना करें ना, तो पृथ्वी के व्यास से यह 110 गुना बड़ा है। पृथ्वी के व्यास से यह कितना है? 110 गुना बड़ा है। और अगर हम पृथ्वी की तुलना करें कि पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है। तो ये कुछ साधारण सी चीजें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि अब ये सूर्य है, तो सूर्य की जो सतह है वह कितनी गर्म रहती है, तो उसका तापमान क्या रहता है? तो सूर्य की जो सतह होती है, सूर्य की सतह, उसका जो तापमान होता है वह रहता है 6,000 सेल्सियस
6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। सूर्य के बारे में एक और चीज पूछी जाती है कि जैसे सूर्य है, इसमें एक सतह होती है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, एक सर्कल दिखाई देता है, तो वो सर्कल क्या कहलाता है? तो उसको हम कोरोना कहते हैं। कोरोना कब दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय, और इसको हम सूर्य किरीट भी कहते हैं, सूर्य किरीट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये साधारण सी जानकारी है सूर्य के बारे में। अगर हम बात करें तो सूर्य जो कंप्लीटली है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना। 71% हाइड्रोजन है, 26% हीलियम है, और बाकी जो है वो शेष तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो ये एक साधारण सी जानकारी है इस गैलेक्सी के बारे में। हम कुछ और जानकारी इसमें से निकालते हैं कि जैसे सूर्य है तो सूर्य के जो एक सौरमंडल का निर्माण होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें अंदर शामिल होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये सूर्य है आपका गोला। क्यों है गोला? क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इसमें लगभग 71% रहता है। हीलियम की बात करें तो हीलियम इसके अंतर्गत 26% रहती है, और बाकी शेष तत्व रहते हैं। तो ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्र लगा रहे हैं तो ये सब ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अब जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाते हैं, और जो ग्रहों के चारों तरफ चक्र लगाता है उसको हम उपग्रह कहते हैं। ये साधारण सी जानकारी, ये हमें जानकारी में। और इन सबके जो ग्रह है, इन ग्रहों के उपग्रह अलग अलग होते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह कौन से ग्रहों के मध्य में, या जोवियन ग्रह किसे कहा जाता है, निम्न में से जोवियन ग्रह कौन सा है, या निम्न में से पार्थिव ग्रह कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे क्लियर कब होंगे? जब हमें ग्रहों की जानकारी होगी और सूर्य से क्रमबद्ध तरीके से जानकारी होगी कि सूर्य से कितना क्रमबद्ध तरीके से यह ग्रह दिखाई देता है। तो उसके लिए हम एक और स्लाइड लेते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि सूर्य से किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से यह ग्रह दिखाई देते हैं। देखिए यहां पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार ग्रहों का क्रम है। अब ये ग्रहों का क्रम हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। सबसे सरल प्रश्न सौरमंडल का यही रहता है कि सबसे छोटा सा क्रम है वह पूछ लिया जाए। अब देखो क्रम किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, तो इसकी हम आज एक ट्रिक देखते हैं। उस ट्रिक के माध्यम मे बी कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। अगर आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं वापस, तो एक बार कमेंट कर दीजिए अपना। हमारी क्लास अगर लाइव चल रही है और आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है तो अपना एक कमेंट कर दीजिए। ओके चलिए, तो यहां पर हम जो ट्रिक देख रहे थे वो किस तरीके से है सूर्य और ये ग्रह है। देखिए सूर्य से जब भी हम शुरुआत करते हैं ना, तो हम सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं। अभी इस ग्रह को हम कैसे देखेंगे, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जब भी हम घरों में कोई भी ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो किस देवताओं को याद करते हैं, तो हम याद करते हैं गणपति को। गणपति का वार कौन सा है, तो गणपति का वार रहता है बुधवार। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहां पर हमारा ग्रह हो जाएगा वह हो जाएगा बुध ग्रह। तो यहां पर हम नाम लिख देते हैं बुध ग्रह। ठीक है, तो अब ये कभी हमसे भूला नहीं जाएगा कि सूर्य के सबसे पहले नंबर का ग्रह कौन सा है, तो वह ग्रह रहेगा बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह के बाद में अब हमें वार याद रहने चाहिए। हम एक वार को याद रखेंगे, एक वार को हम भूल जाएंगे। जैसे बुध के बाद में आता है बृहस्पति, तो हमें बृहस्पति को भूल जाना है। अब बृहस्पति के बाद में कौन सा आ गया, शुक्र आ गया, तो दूसरा ग्रह ऑटोमेटिकली शुक्र हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ग्रह हो जाता है शुक्र। अभी हमने क्या किया, बुध को याद रखा,
और गुरु को भूल गए और शुक्र को याद रखा। शुक्र के बाद में शनि आता है तो शनि को हम भूल जाते हैं और फिर आ जाता है रवि, तो रवि को कहा जाता है पृथ्वी। तो हम तीसरा ग्रह याद रखेंगे पृथ्वी को। अब रवि के बाद में क्या आ गया? सोमवार। सोमवार को हम भूल गए और सोमवार के बाद में आ जाता है मंगल, तो चौथा ग्रह हमारा आ जाता है, उसे कहा जाता है मंगल ग्रह। मंगल के बाद में हम बात करते हैं तो आता है बुध, और बुध को अगर हम भूल जाएं तो आगे हमारा रहता है बृहस्पति, तो अगला ग्रह हमारा रह जाता है बृहस्पति। ठीक है, गुरु के बाद में अगर हम बात करें तो आता है शुक्र, शुक्र को हम भूल जाते हैं तो अगला रहता है शनि, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि अगला ग्रह हमारा रह जाता है यहां शनि ग्रह। ठीक है, और शनि के बाद में हम बात करते हैं तो अगला आता है अरुण, और उसके बाद में आता है वरुण। ठीक है, तो ये आठ ग्रह है, कितने हैं? आठ ग्रह है। वर्तमान में सौर मंडल में सूर्य के आठ ग्रह। अब जो नवा ग्रह आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है प्लूटो ग्रह। प्लूटो ग्रह को अब ग्रह नहीं माना जा रहा है क्योंकि 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संगठन के द्वारा इसको ग्रह मानने से मना कर दिया गया, क्योंकि यह ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह था, यानी कि इसकी आनुपातिक स्थिति ग्रहों से मैच नहीं हो रही थी, तो यह शुद्र ग्रहों की श्रेणी में आ रहा था। शुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जो छोटे ग्रह होते हैं उनको हम शुद्र ग्रह कहते हैं। तो ग्रह अभी हमारे पास में आठ है। अब ज्योतिष आपके पास में आए और अगर यह बात कहे कि नौ ग्रह ऐसे, तो उनको समझा देना कि हम जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं और मनीष जी ने हमको पढ़ा रखा है कि ग्रहों की संख्या आठ है, आप नौ कहां से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप उनको कह सकते हैं। तो देखिए, अब हम ग्रहों को एक बार वापस देख लेते हैं। ग्रह हमारे पास में आठ है और क्रमबद्ध रूप से अगर हम देखें तो पहला रहता है बुध, फिर रहता है शुक्र, फिर रहता है पृथ्वी, फिर रहता है मंगल, फिर रहता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये ग्रहों का क्रम रहता है। अब ये किसी भी क्रम में आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि सूर्य से पहले नंबर ग्रह कौन सा है तो बुध है, सूर्य से तीसरे नंबर कौन सा है तो पृथ्वी है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य है, शुक्र और मंगल के बीच में, मंगल किन दो ग्रहों के मध्य है, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में, बुध और शनि के बीच में कौन कौन से ग्रह है तो बुध और शनि के बीच में शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है ये क्रम। बहुत छोटा सा आसान सा वीडियो है, परंतु आपको माइंड अगर ये इसके पर्पस से चल गया तो आपका क्वेश्चन वहां गलत नहीं होगा, तो इसकी जानकारी हमें रहनी चाहिए। ठीक है, एक और स्लाइड लेते हैं। यहां पर वही चीज है, यहां आपको सूर्य दिखाई दे रहा है और यह ग्रह दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों का नामांकन एक बार हम कर लेते हैं, फिर हम कुछ चीजें और जानते हैं ग्रहों के बारे में। देखिए, सबसे पहला यहां पर जो ग्रह था उसको कहा गया था बुध ग्रह। ठीक है, इसको हम बुध ग्रह कहते हैं, मरकरी। उसके बाद में ये आ गया था शुक्र, क्योंकि बुध के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति को हमने छोड़कर शुक्र की बात की, फिर शनि को छोड़ दिया और फिर हमने बात की यहां पृथ्वी की। ठीक है, रवि को, रवि के बाद में सोम को छोड़ दिया, फिर हमने बात की मंगल की, तो यह ग्रह हो गया मंगल ग्रह। ठीक है, फिर यह हो गया बृहस्पति और उसके बाद में ये हो गया शनि और ये हो गया अरुण और ये हो गया वरुण, नेपच्यून। तो यह ग्रहों का क्रम है। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर आठ ग्रहों में अगर हम दो का भाग दे दें तो आता है चार, तो हम गिन लेते हैं एक दो तीन और चार। इसके बीच में हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। ठीक है, दो पार्ट हो जाते हैं। अब ये जो लाइन है ना, एक्चुअल में भी है ये लाइन, एक्चुअल में भी अंतरिक्ष में है इस तरीके से। तो ये जो छोटे 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 आपको चीजें दिखाई दे रही है, इसे हम शुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्र ग्रह। अब प्रश्न अगर पूछा जाता है ना कि शुद्र ग्रहों की पट्टी किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य शुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, तो मैं ये यहां पर लिख देता हूं शुद्र ग्रह, या शुद्र ग्रहों की पट्टी, ये शुद्र ग्रह हो गए। अब देखिए, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में डिवाइड करने के बाद में मैं यहां से काउंट कर लेता हूं कि ये कितने ग्रह हो गए, चार, और ये कितने ग्रह हो गए, ये हो गए चार। अब देखिए, ये जो चार ग्रह है ना, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर की तरफ है ना, तो इनको हम आंतरिक ग्रहों के नाम से जानते हैं, आंतरिक ग्रह। ठीक है,
आंतरिक ग्रह को हम पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं, पार्थिव ग्रह। अब इनकी विशेषता क्या है इन चारों की? इन चारों की विशेषता है कि ये चारों ग्रह पृथ्वी के जैसे है, मतलब पृथ्वी जो धातु और खनिजों से बनी है ना, तो ये सारे ग्रह धातु और खनिजों से बने हुए हैं। तो ये किससे बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं धातु व खनिजों से, ठीक है। अब आपको अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह निम्न में से कौन से है, तो इन चारों को आप ध्यान में रखना कि इन चारों में से ये चारों आंतरिक ग्रह में आते हैं। बाहर से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, यानी कि अरुण वरुण या शनि या बृहस्पति कुछ डाल दिया जाए, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना आंतरिक ग्रह में, ठीक है। अब ये जो ग्रह है बाहर वाले, तो इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। अब ये जो बाह्य ग्रह है ना, इसको हम जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जोवियन ग्रह। जोवियन वैसे तो बृहस्पति को कहा जाता है, तो बृहस्पति जैसी संरचना इनमें होने के कारण, क्योंकि ये गैस से बना हुआ है तो बाकी वाले भी गैस से बने हुए हैं, तो वैसी संरचना होने के कारण इनको जोवियन ग्रहों की श्रेणी में डाला गया है। तो अब आपके सामने निम्न में से कौन सा जोवियन है, निम्न में से कौन सा पार्थिव है, निम्न में से कौन सा आंतरिक है, निम्न में से कौन सा बाह्य है, ऐसा प्रश्न आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। और ये किससे बना हुआ है? तो ये गैसों से बने हुए हैं। अब गैसों में कौन सी? तो ये जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इन गैसों से ये बने हुए हैं। तो ये चीजों की जानकारी हमें रहनी चाहिए कि ये आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं, पार्थिव ग्रह क्या होते हैं और जोवियन ग्रह क्या होते हैं। ये सारा मामला हमें यहां क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जितने भी ग्रह है ना, उनके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। जानकारी के अकॉर्डिंग, जैसे सौरमंडल में ग्रह का नाम क्या है, उस ग्रह का रंग कैसा है, सूर्य से कितना दूर है, ग्रहों का व्यास कितना है, अपने अक्ष में यानी कि अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाता है, सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लेता है, सूर्य के चारों तरफ जो घूमता है उसको कितना समय लग जाता है, उनके उपग्रहों की संख्या क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो ग्रह है वह बुध है। ग्रह का रंग क्या है? ग्रह का रंग है भूरा। यानी कि अगर पूछा जाए कि बुध जो ग्रह है उसका रंग कैसा है, तो भूरा रंग है, ध्यान रखना भूरा रंग है। सूर्य से कितना दूर है? तो ये करोड़ किलोमीटर में, 5.8 करोड़ किलोमीटर यह सूर्य से दूर है, मतलब नजदीक होने के बावजूद भी इतना दूर है, आप देखिए, ठीक है। ग्रह का व्यास कितना है? तो 4878 किलोमीटर व्यास है। अक्ष पर चक्कर यह 58.6 दिन में लगाता है, यानी कि अपने अक्ष पर जो घूमता है इसको 58.6 दिन लग जाते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी को कितना लग जाता है, 24 घंटे लग जाते हैं, तो इसको 58.6 दिन लगते हैं, इतना धीरे धीरे घूमता है। सूर्य की परिक्रमा में इसको 88 दिन लग जाते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी लगभग 365 दिन में लगा देती है, ये 88 दिन में लगा देता है, ठीक है। और उपग्रह की संख्या यहां शून्य है, एक भी उपग्रह यानी कि एक भी चंद्रमा इसका नहीं है। शुक्र ग्रह की बात करें तो ये हल्का पीला होता है। सूर्य से दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह का व्यास 12104 किलोमीटर है। अक्ष पर चक्कर 243 दिन में लगाता है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में, इसमें भी उपग्रहों की संख्या शून्य है। पृथ्वी की बात करें, इसे नीला या हरा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह का व्यास बात करें तो यह 12756 है। अक्ष पर चक्कर यह 24 घंटे में लगाती है और सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में लगाती है। चंद्रमा एक ग्रह, सॉरी एक उपग्रह इस पर विद्यमान है। मंगल की बात करें तो इसको लाल या भूरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। 21.7 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है। ग्रह का व्यास है 6750 किलोमीटर। अक्ष पर चक्कर 24 घंटे 37 मिनट में लगाती है। सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में और इस पर कितने ग्रहों की संख्या है? दो। मंगल ग्रह पर दो उपग्रह है। बृहस्पति की बात करें तो गुलाबी रंग सफेद पट्टी वाला यह ग्रह माना जाता है। 77.8 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है, ठीक है, और 142,984 किलोमीटर इसका व्यास है, यानी कि इतना बड़ा है ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह की श्रेणी में आता है, उसके बाद में आता है शनि। 9 घंटे 55 मिनट इसको लगते हैं अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में और 11 वर्ष लग जाते हैं इसको लगभग सूर्य की परिक्रमा में, और यहां पर उपग्रहों की संख्या रहती है 69। अब ऐसा है कि शनि और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या अपडेट होती रहती है। अभी बीच में आया था कि शनि के उपग्रह हो गए 83 और बृहस्पति के रह गए 80।
और अभी जो अपडेट आया है उसमें बृहस्पति के और 12 उपग्रह मिल गए हैं, तो ऑटोमेटिकली बृहस्पति के जो उपग्रह हो गए वो 92, यानी कि बृहस्पति अब सबसे ज्यादा उपग्रह वाला हो गया, यानी चंद्रमा वाला हो गया। तो ये अपडेट आता रहता, तो जो लेटेस्ट अपडेट आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। फिर शनि को सुनहरा पीला कलर कहा जाता है, सूर्य से दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर है, 120,536 जो इसका व्यास है किलोमीटर में, 10 घंटे 47 मिनट इसको अपने अक्ष पर लग जाते हैं, 29.46 वर्ष लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा में, और 62 उपग्रहों की संख्या है, और अभी फिलहाल इसके 83 है, ठीक है ना, 83 इसके उपग्रह रहते हैं। यूरेनस आसमानी रंग का दिखाई देता है, 28.7 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है, 51,000 इसका जो व्यास है वो 51,118 किलोमीटर है, 17 घंटे 14 मिनट इसको अक्ष पर चक्कर लगाने में लग जाते हैं, 84 वर्ष का समय लग जाता है सूर्य की परिक्रमा में, देखिए कितना समय लेता है ये, और 27 उपग्रहों की संख्या इस पर दिखाई देती है। नेपच्यून वरुण गहरा आसमानी है, 449 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है इसकी, ग्रह का व्यास अगर हम बात करें तो यह रहता है 49,528 किलोमीटर में, अक्ष पर चक्कर या 16 घंटे में लगाता है, 164 वर्ष लग जाते हैं, 14 इस पर उपग्रह। तो ये सामान्य सी जानकारी है, आप इसको एक बार देख लेना, और जहां इसका अपडेट वर्जन मिले वो भी आप इसको समझ लेना, क्योंकि उपग्रह है वहां पर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो यह ग्रहों की सामान्य सी जानकारी थी, सौरमंडल की सामान्य सी जानकारी थी, हम ज्यादा डीपली नहीं गए हैं, और डीपली इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि यह हमारी सौरमंडल की क्लास थी नहीं, ये हमारी क्विज की क्लास है, तो थोड़ा सा डेरिवेशन आपको समझ में आ जाए तो उसके साथ में हमें और क्या चाहिए, ये बात रहती है, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने मैं पहला प्रश्न लेके आता हूं। पहले प्रश्न से पहले हम कुछ ग्रहों के बारे में विशेषताएं देख लेते हैं, ये स्लाइड मुझे याद रही नहीं थी, तो एक बार विशेषताएं देखते हैं, उसके बाद में पहला प्रश्न लेके आते हैं। सबसे पहले सूर्य के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है या बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकता है, यानी कि सूर्य इतना बड़ा है। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा व प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, यह बात हो जाती है सूर्य की, इससे बाहर प्रश्न जाता नहीं है, ठीक है ना। जो मोस्ट जो बातें हैं वो चीजें वो मैं यहां आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, इससे बाहर प्रश्न निकलता नहीं है। अब हम कुछ ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहले बुध की बात करें, जिसे मरकरी कहा जाता है, यह सूर्य के सबसे नजदीक का सूर्य ग्रह है, यह सबसे छोटा ग्रह भी है। याद रखना, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह हो जाता है बुध ग्रह हो जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। शुक्र की बात है, यह शुक्र का निकटतम ग्रह है, सॉरी पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, या मंगल है या शुक्र है, तो दोनों में नजदीक कौन सा है, तो शुक्र ज्यादा नजदीक है, ये याद रखना। सबसे चमकीला ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है इसलिए चमकीला। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। और जो बाकी वाले जो ग्रह है ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्र लगाता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्र लगाता है, यानी कि उल्टा चक्र लगाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, एक ये लगाता है और एक और ग्रह आएगा वो भी उल्टा चक्र लगाता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर रहती है। मंगल की बात करें, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान रहता है, इसीलिए यहां पर हम जीवन की खोज में लगे हुए हैं मंगल की। बृहस्पति जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की तरह जुपिटर का भी अधिकांश हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, तथा अमोनिया, मेथेन और पानी का भी कुछ अंश यहां पर है। इसके उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमिड है। यह बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आने वाला ग्रह रहता है, तो गैनीमिड का ध्यान रखना, इसके उपग्रह के बारे में पूछा जाता है। शनि की बात करें, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके तल के चारों ओर वलय का होना इसकी विशेषता है। आप देखेंगे कि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय रहता है इस तरीके से और अच्छा दिखता है, तो ये शनि है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, इसका भी ध्यान में रखना।
अरुण की बात करें, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो एक रह गया अरुण और एक रह गया शुक्र, तो दोनों का ध्यान में रखना, उल्टे घूमते हैं, यानी यह अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त घूमता है। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह या सोया हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्योंकि यह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, अगला वरुण, यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है, यह हरे रंग का है, इसके चारों ओर अति शीतल मिथेन का बादल छाया हुआ रहता है। और ये प्रश्न आया हुआ भी है कि मिथेन के बादल किस ग्रह के चारों तरफ है, तो हमें वरुण का ध्यान रखना है, जिसको हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दो चीजें और हम पढ़ते हैं, एक तो ये और एक और स्लाइड है। शुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें शुद्र ग्रह कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मंगल और बृहस्पति के मध्य एक पट्टी पाई जाती है, उनको शुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये माइंड में रखना, इसके बारे में पूछा जाता है। उल्का पिंड क्या होता है? जैसे नॉर्मली हम तारे के टूटना कहते हैं, तो उस तरीके से यह उल्का पिंड ही होता है। देखिए, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़ कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में धमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, इन्हें हम टूटता तारा भी कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि टूटता हुआ तारा है, उसको देखने से हम अपनी विश पूरी कर सकते हैं। तो एक्चुअल में वह उल्का पिंड ही होते हैं जो हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं, और पृथ्वी से ही रगड़ खाकर वह जलने शुरू हो जाते हैं। एक पुच्छल तारे किसे कहते हैं, इसको भी देख लो। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप पृथ्वी के कारण इसकी गैसें, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है, और यही पुच्छल तारा कहलाती है। कुइपर मेखला क्या होती है? कुइपर मेखला क्या होती है कि सबसे जो लास्ट ग्रह है ना हमारा वरुण, वहां पर एक तस्त्री नुमा एक श्रृंखला पाई जाती है, उसको हम कुइपर मेखला कहते हैं। यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्त्री डिस्क के आकार की एक विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित है, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहां ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। ठीक है, तो यह कुछ जानकारी है